So let us see what are the main elements when we are making a PowerPoint presentation. So PPP, we say PowerPoint presentation. What are the main elements? One of the important aspects when we are making a PowerPoint presentation is that the PowerPoint slide should be limited in numbers. एक खास बात जो है जो नंबर ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए. कम का अर्थ क्या हुआ, अगर आप 10 मिनट का प्रेजेंटेशन अगर आप बना रहे हैं तो 5-6 स्लाइड रखिए या 7 स्लाइड टू द मैक्सिमम रखिए. अगर आप 10 स्लाइड रखेंगे और एक एक मिनट भी बोलेंगे तो 10 स्लाइड बोलते बोलते 10 मिनट से ऊपर लगेंगे. इसलिए 10 मिनट की वीडियो में 6 स्लाइड हो सकता है, 5 स्लाइड बहुत अच्छा रहेगा, 6 स्लाइड टू द मैक्स रखिए, उसे अधिक मत रखिए. तब आपको हर स्लाइड के लिए कुछ देर बोलने का मौका मिलेगा. सो फॉर अ 10-मिनट प्रेजेंटेशन यू कैन हैव 6 स्लाइड्स, 5 स्लाइड्स इज आइडियल, विच विल गिव यू एटलीस्ट यू नो 1 मिनट एंड अ फ्यू सेकेंड्स पर ईच स्लाइड. इफ इट इज 5 स्लाइड्स, 2 मिनट पर ईच स्लाइड, विच इज वेरी गुड. या दिस इज द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग विच वन शुड टेक केयर ऑफ इज व्हेन यू आर मेकिंग दिस स्लाइड, then the slide should say what is the presentation about. यानी slide ये कहना चाहिए कि presentation किसके बारे में है. एक normal principle होता है जिसको कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं लोग, काफी दिनों से अधिकतर लोग ये जानते हैं, what are you going to talk about, what is this presentation about. So first thing is that the first slide or the second slide must show what is this all about. Then जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो पूरी प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के अंत में व्हाट डिड यू प्रेजेंट, आपने क्या प्रेजेंट किया उसको समराइज करते हैं. तो ये एक 3 प्रिंसिपल होते हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, देन टॉक अबाउट इट, एंड व्हाट डिड यू टॉक अबाउट. ये 3 प्रिंसिपल होते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाते समय. पीपीटी बनाते वक्त इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ पीपीटी व्हाट आर द पॉइंट्स दैट हैव टू बी कंसिडर्ड, राइट. सो If you look at it, 6 point, okay, 6 points. Color या design, पहला point. दूसरा point है visual. तीसरा है text. The fourth is animation, the animation of the text. Yeah? And the next point is narration, if required, narration. और last point है video का insertion. अगर video होगी तो video का insertion कैसे होगा, कहां होगा, ये लास्ट पॉइंट है. इसके अलावा कभी कभी कुछ और होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये 6 ही रहते हैं. दीज आर द 6 एस्पेक्ट्स विच हैव टू बी कंसिडर्ड. जनरली पीपल आस्क अ क्वेश्चन, आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इज वन क्वेश्चन. एंड देन इज देयर अ जनरल प्रिंसिपल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. तो एक प्रश्न पूछते हैं लोग, क्या विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन होते हैं, और सभी प्रकार के प्रेजेंटेशन के लिए क्या एक निश्चित प्रिंसिपल है जिसके आधार पर प्रेजेंटेशन किया जाना चाहिए. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन. वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज किस प्रकार हो, आप आवाज में अपनी परिवर्तन किस प्रकार करें. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन. Although ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इट इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस बिकॉज द ऑडियंस will listen to you and look at the PowerPoint and listen to you. How can the audience continue to listen to you? How can you attract? Unless aapke voice mein utar chadhav na ho aur aapke alag alag words ki emphasis na de, right jagah par pauses na ho, to kaise aap audience ko apne taraf kheech karke rakhenge. बार बार ऑडियंस स्लिप कर जाते हैं, कुछ देर सुनते हैं स्लिप कर जाते हैं, कुछ देर सुनते हैं स्लिप कर जाते हैं, उसे बांध करके कैसे रखेंगे, अपनी आवाज से ही आप बांध करके रखेंगे. आवाज में उतार चढ़ाव होनी चाहिए, सही जगह पर पॉज होनी चाहिए, सही ऊंचाई और गिरावट होनी चाहिए वॉइस में. सो अकॉर्डिंगली द वॉइस अफेक्ट्स द प्रेजेंटेशन. माय लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स शुड वन प्रैक्टिस बिफोर द प्रेजेंटेशन. या सो वन थिंग इज सर्टेन, एवरीबॉडी वेदर वन इज एक्सपीरियंस्ड और नॉट एक्सपीरियंस्ड मस्ट प्रैक्टिस. Normally, a minimum 3 times practice is essential.
The first time you only get the hang of the content. अब सबको समझ में आता है कि ओके ये कॉन्टेंट होगा, लेकिन सेकेंड टाइम करेंगे तभी इस कॉन्टेंट की सारी पॉइंट आपके ध्यान में आएगी. थर्ड टाइम करेंगे तो ये सारी बातों का ध्यान आप रख सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन इत्यादि का ध्यान रख. दिस इज फॉर अ सीजन्ड कैंपेनर, सॉरी दिस इज फॉर अ सीजन्ड प्रेजेंटर, जो एकदम बिल्कुल प्रेजेंट कर चुका हो उसके लिए है. समबडी हु इज बिगिनिंग, आई वुड से दैट एटलीस्ट वन शुड प्रैक्टिस 7 times. जो बिगिन कर रहा है या कम प्रेजेंटेशन के, उनके लिए तो कम से कम 7 times प्रैक्टिस होनी चाहिए. Perfect practice is the only way by which one can reach a perfectness of presentation. नहीं तो उस समय वहां पर जब ऑडियंस में जाएंगे तो भूल जाएंगे, खड़े होने का तरीका नहीं ठीक होगा, वॉइस ठीक से थ्रो नहीं होगा इत्यादि, राइट. सो यू हैव आस्क्ड द राइट क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड वी हैव ट्राइड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट video which we have presented for beginners, in which you tell you how to prepare for the delivery of the presentation. Kaise presentation ke delivery ke liye aap tayari karenge. Friends, if you have liked this video, if you really were interested in this video, please like the video. The second is, do share it with your friends and with all your relatives, etc. It's going to really benefit a lot of people. And the third is, if you have not subscribed to our channel, do subscribe to it by pressing the bell icon.